ये क्वेश्चन है सर, एसएसटी मास्टर कैडर विच एलिजिबल बीएड विद सोशल साइंस। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप सोशल साइंस के साथ ग्रेजुएशन पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस करते हो तो मास्टर कैडर के लिए आप एलिजिबल हो, बिल्कुल ठीक है। एंड लेक्चरार विच एलिजिबिलिटी एमए पॉलिटिकल साइंस। हाँ अगर आप एमए बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, एमए में पॉलिटिकल साइंस हो गई, और बीएड में आपका पॉलिटिकल साइंस है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता चला, ये दोबारा यहाँ आते हैं, आ जाओ भाई, क्या हो गया, ये रहा। ओके तो पॉलिटिकल साइंस, मैं दोनों ही पोस्टां लिए अप्लाई करना चाहती हाँ आफ्टर बीएड, बट सब्जेक्ट केड़े लेवां, पॉलिटिकल साइंस या एसएसटी। हाँ, तुहानूं इस स्टेज पर आपको एक चूज करना पड़ेगा। मैं सुजेस्ट करता हूँ आप एसएसटी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने दो, ये मुझे नहीं पता कि आपने दो सोशल साइंसेस पढ़ी हैं, अगर पढ़ी हैं, आप पिछले वाला क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल में, अगर दो सोशल साइंसेस पढ़ी हैं तो आप एसएसटी ही लीजिए। कारण ये है कि एसएसटी की लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट निकलती हैं पॉलिटिकल साइंस की। एक वीडियो निकाल दूंगा अभी, मिल जाएगा आपको, कि पॉलिटिकल साइंस की कितनी पोस्ट निकली थी, हिस्ट्री की कितनी निकली थी, वो अभी बता देता हूँ। तो एसएसटी फिल करके आपने दूसरा ले लिया लैंग्वेज, आप एलिजिबल हो गए। कौन सी है ये ऐसे बताया नहीं है, अगर आप पिछले वाले ही हो तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप एडिशनल पेपर बीएड करने के बाद इमीडिएट एडिशनल पॉलिटिकल साइंस का दीजिए, ओके तो वो आपका साल में हो जाएगा। तो एडिशनल करने के बाद आप फिर टीजीटी के लिए ये आप एलिजिबल हो गए यहाँ पर, और क्योंकि ये पोस्ट भी बड़ी देर बाद निकलती है, कम निकलती है, पीजीटी के लिए जब तक एलिजिबल हो सकते हो प्रेफर कीजिए एसएसटी एज ए मेजर सब्जेक्ट। थैंक यू।